छत्तीसगढ़ के 12 लाख से ज्यादा किसान बन के 2 साल के बोनस के राशि अभी अभी ट्रांसफर करे हन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका TV24 छत्तीसगढ़ में। जी हाँ दोस्तों, किसानों का लंबा इंतजार है वो अब खत्म हो चुका है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं धान बोनस की अंतरराशि को लेकर के। आज मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी ने सुशासन दिवस के अवसर पर प्रदेश के समस्त किसानों के खातों में विगत 2 वर्षों के बोनस की अंतरराशि का हस्तांतरण सीधे DBT के माध्यम से उनके खातों में ट्रांसफर है वो किया। तो चलिए, इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी ने क्या कहा, विस्तार से जानकारी के लिए उन्हीं की वाणी में सुनते हैं। आज बड़ी खुशी की बात है कि हमारे जब 15 साल के सरकार रही से छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में, तो 2 साल के बोनस हमन नहीं दे पाए रहे, वर्ष 14-15 और 15-16 के। और हमार मोदी की गारंटी में हमन वादा करे रहन छत्तीसगढ़ के अन्नदाता किसान मन से कि हमार सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी के, तो 2 साल के बोनस ला हमन देबो। और आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के नाते पूरे छत्तीसगढ़ के जनता ला, छत्तीसगढ़ के किसान मन ला ये बताते हुए हर्ष हो थे कि आज अभी हमन छत्तीसगढ़ के 12 लाख से ज्यादा किसान बन के 2 साल के बोनस के राशि अभी अभी ट्रांसफर करे हन, करीब 3700 करोड़ रुपया राशि ट्रांसफर हुई से। अभी कुछ जिला के हमर कार्यकर्ता मन से बात होत रही से, उमन के खाता में पैसा चल गई से बोनस के। तो ऐसे 12 लाख से ज्यादा जो किसान, वो सब के खाता में, जो भी बैंक में उमन के खाता है, उमे बोनस के राशि पहुंच गई से। तो ऐसे सभी किसान ला मैं बहुत बहुत बधाई देत हूं, धन्यवाद देत हूं। उमन तो सोचे रहे न होई कि पैसा तो डूब गई, लेकिन आज उमन ला अचानक बड़े बड़े राशि मिले थे। कोई कोई किसान ला 2-2 लाख से ज्यादा के राशि बोनस के रूप में 2 साल के मिले थे, तो बड़ा खुशी किसान मन में है। तो बंधुओं, मैं बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो बात ला कथे ओला करते, करनी और कथनी में एक रूपता होते। मुख्यमंत्री के नाते विश्वास दिलाता हूं कि मोदी की गारंटी में जो भी वादा हमन छत्तीसगढ़ के जनता से करे हन, वो एक एक वादा 5 साल में पूरा करबो। एक एक वादा, एक ठन वादा पूरा नहीं हुई ऐसा बात नहीं है। पूरा के पूरा जो वादा हमन करे हन मोदी की गारंटी में, वो सब वादा ला 5 साल में हमन पूरा करबो।